एमएसएमई पर छिड़ी बहस, कभी एमएसएमई को जरूरी ना समझने वाले राहुल मोदी पर उसी एमएसएमई को लेकर उठा रहे सवाल। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र काफी दिलचस्प हो चला है। इस सत्र ने एक पार्टी को अलग अलग विचारधारा को इस तरह से दिखाया जिससे जनता हैरान रह गई। दरअसल 29 जुलाई के सत्र के दौरान राहुल गांधी बड़े बेबाक अंदाज में कई मुद्दों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे। इसमें बजट से लेकर कई अन्य मुद्दे शामिल थे। इसमें एक अहम मुद्दा था युवाओं के रोजगार को लेकर, जिसमें राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरते और खड़ी खोटी सुनाते नजर आ रहे थे। सबसे पहले ये बयान सुनिए। इस टैक्स टेररिज्म को रोकने के लिए बजट में आपने कुछ नहीं किया है, तो टैक्स टेररिज्म के कारण और ये जो आपकी नीतियां हैं, जो आपने कोविड के समय बड़े बिजनेसेस की मदद की और जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे उनको खत्म किया, उसके कारण आज हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। बिल्कुल एक युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है। राहुल कह रहे हैं कि सरकार ने टैक्स टेररिज्म को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि टैक्स टेररिज्म के कारण और आपकी नीतियां हैं जो कोविड के समय बड़े बिजनेस की मदद की और छोटे और मीडियम बिजनेस थे उनको खत्म कर दिया, इसके कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिला। इसी बीच राहुल का पुराना वीडियो आपको दिखाते हैं जो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। इसमें राहुल गांधी बोलते दिख रहे हैं कि बड़े बिजनेस की मदद करो, एमएसएमई की नहीं। आप भी सुनिए। Now there's another thing here, which is something important, that when we think about India's business system, we cannot simply say MSMEs and not big business, because there is a link between big business and MSMEs. Most of the stuff the MSMEs supply goes to big business. So if your big business isn't firing, your MSMEs can't fire. So there has to be a view where we are thinking systemically, where we are working to start the economy, where we are certainly giving much more benefit to the small and medium industry, but we are also keeping in mind that there is a link between large business and small. राहुल की एक ही मुद्दे पर दो बातों से लोग हैरान हैं। इन दोनों वीडियो को एक साथ क्लब कर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पोस्ट किया और राहुल की सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी। इस वीडियो में सोमवार को राहुल के बजट सत्र का भाषण है जिसमें वो टैक्स टेररिज्म की बात कर रहे थे। वहीं दूसरा वीडियो कोरोना काल का है जब राहुल ने कहा था कि बड़े बिजनेस की मदद करो, एमएसएमई की नहीं। वीडियो पोस्ट करते वक्त शहजाद पूनावाला ने लिखा, इफ हिपोक्रेसी हैड अ फेस। आज राहुल गांधी कहते हैं कि एमएसएमई को मदद करो, बड़े बिजनेस को नहीं। कोविड में कहा कि एमएसएमई को नहीं, बड़े बिजनेस को मदद करो। अब इस वीडियो पर यूजर्स अलग अलग तरह से कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर लिखते हैं, ये कुछ भी बोलेगा, इसको इसके दुखती रग को ढूंढो और उस पर हमला करो। सुकन्या नेशनल हेराल्ड केस, चाइना वाला एमओयू को सार्वजनिक करने की मांग, इसके काला धन का लिस्ट सार्वजनिक करो। ये लड़ाई आर पार की है, इसे बीजेपी के शीर्षार्थ नेताओं को समझना होगा वरना पछताओगे। यही समय है, घेरो इसका भांडाफोड़ करो। @NarendraModiji, @AmitShah, @JPNadda, आप सब से यही कहते हैं कि बीजेपी के नौजवान सांसद @RavneetBittu, अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे जैसे वक्ताओं को आगे लाओ ताकि राहुल के ईंट का जवाब पत्थर से मिले। मोदी जी क्यों नहीं इसके सारे केस का पर्दाफाश कर रहे हैं। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, मूर्ख है ये राहुल गांधी, इसको ना तो धर्म की समझ है और ना ही इकोनॉमी की। एक अन्य यूजर लिखते हैं, ही शुड नॉट बी अलाउड टू लाई इन पार्लियामेंट। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, सीम्स ही इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग सॉलिड। एक और यूजर लिखते हैं, गिरगिट। तो देखा आपने, राहुल गांधी के एक ही मुद्दे पर दो विचारधारा सामने आए हैं तो लोगों ने उनकी फजीहत कैसे कर डाली। खैर, जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं राहुल के उन दोनों बयानों के साथ। पहले इसे सुनिए और फिर बताइए कि राहुल के दोहरेपन पर आपकी क्या राय है। Now there's another thing here, which is something important, that when we think about India's business system, we cannot simply say MSMEs and not big business, because there is a link between big business and MSMEs. Most of the stuff the MSMEs supply goes to big business. So if your big business isn't firing,
your MSMEs can't fire. So there has to be a view where we are thinking systemically, where we are working to start the economy, where we are certainly giving much more benefit to the small and medium industry, but we're also keeping in mind that there is a link between large business and small and medium business. And if we suddenly say, okay, only SMM, only small business is going to be helped and big business is going to be left to its own devices, we'll actually harm small business as well. इस टैक्स टेररिज्म को रोकने के लिए बजट में आपने कुछ नहीं किया है, तो टैक्स टेररिज्म के कारण और ये जो आपकी नीतियां हैं, जो आपने कोविड के समय बड़े बिजनेसेस की मदद की और जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे उनको खत्म किया, उसके कारण आज हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है।